हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज है मेरे पास दो अलग अलग ब्रांड्स के पेंसिल्स। एक है कैमलिन, जो कि मुझे 45 रुपीज़ में पड़ा था, लोकल स्टेशनरी से मैंने परचेस किया। और दूसरी है डोम्स, जो कि मुझे 35 रुपीज़ में पड़ा था और ये भी मैंने लोकल स्टेशनरी से ही परचेस किया। दोनों इंडियन ब्रांड्स है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके का पेंसिल निकल के आता है। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर भी करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा पेंसिल आपको बेटर रिजल्ट देता है। यहाँ पे आप देखोगे कलर में डिफरेंस है, यहाँ पे आपको मरून कलर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको ग्रीन टाइप से कलर है। और इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये पेंसिल मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ बहुत पहले। मैंने स्टार्ट इसी पेंसिल से किया था जब मैं प्रैक्टिस करता था। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है जब तब मैं ये पेंसिल यूज़ करता था और बहुत लंबे टाइम के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इसके बारे में मैं रिव्यू ज़रूर दे सकता हूँ। और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है अच्छी खासी क्वालिटी थी, इतनी ज़्यादा डार्कनेस आपको नहीं मिलेगी जितना आप आर्ट लाइन में आपको मिल जाता है, इतनी ज़्यादा डार्कनेस आपको नहीं मिलेगी, बट स्टिल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। डोम्स मैंने पहली बार ट्राई किया, मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था इसकी इस पेंसिल के बारे में। इसके पहले मुझे डोम्स की ड्राइंग पेंसिल्स भी आती हैं, ये मुझे नहीं पता था। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने देखा भी नहीं था कि किस तरीके का आता है। तो ये आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है और 35 रुपीज़ में इस तरीके का पैकिंग इम्प्रेसिव है। और यहाँ पे आपको 6 पेंसिल मिल जाते हैं, ग्रेड्स आपको दोनों में लगभग सेम है, H, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, तो दोनों में सेम ग्रेड्स आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको मैं अभी साइड रख देता हूँ। यहाँ पे आपको इरेजर भी मिल जाता है, तो अगर मैं 5 रुपीज़ इसका मान के चलूँ तो पेंसिल मुझे 30 रुपीज़ में मिल रहा है, मात्र 30 रुपीज़ में। तो आगे मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली पैकेट के अंदर मुझे 6 पेंसिल देखने को मिलता है, ना कोई इरेजर, ना ही कोई इस तरीके से रैपर वगैरह कुछ। तो यहाँ पे भी सेम ग्रेड्स हैं। तो यहाँ पे ये पेंसिल हो गया, दोनों ये हो गए। अब यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले मैं शार्प करके देखूँगा। शार्प करने से हमें वुड की क्वालिटी और जो लीड की स्ट्रेंथ है वो हमें पता चल जाएगी, क्योंकि आगे जब हम यूज़ करेंगे शार्प करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं हो तो बार बार वो लीड टूटेगी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जो कैमलिन की पेंसिल्स है इसको मैंने शार्प करके देख लिया और लीड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, एक भी पेंसिल कहीं से भी टूटी भी नहीं और अच्छी क्वालिटी के लीड्स हैं। और यहाँ पे आपको वुड में थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखो थोड़ी सी यहाँ से टूट गई थी, फिर मुझे लगा कि लीड टूट जाएगी, बट लीड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वुड की क्वालिटी एवरेज है। तो गाइस, अब मैं ट्राई करता हूँ डोम्स के पेंसिल्स और इसको मैं शार्प करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने डोम्स वाली पेंसिल को भी शार्प कर लिया है और यहाँ पे मुझे दो डिफरेंस क्लियरली देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखोगे जो पेंट की क्वालिटी है वो डोम्स में इतनी अच्छी नहीं है, जब मैं शार्प भी कर रहा था तो पेंट अलग जा रहा था और जो वुड है वो अलग जा रहा था, तो पेंट की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है वुड की क्वालिटी, और वुड की क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत अच्छी क्वालिटी के वुड हैं, जब मैं शार्प कर रहा था बहुत ही स्मूथ सा एक्सपीरियंस था और लीड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक भी लीड कहीं से भी टूटी नहीं है। तो यहाँ पे डोम्स की पेंसिल ने इम्प्रेस डेफिनेटली किया है। तो आगे मैं ड्रॉ करके देखता हूँ और उसको मिक्स करके भी देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि लीड की क्वालिटी और ड्राइंग एक्सपीरियंस कैसा देखने को मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास आइवरी की सीट और इसका जो सरफेस है वो मीडियम सा है, बहुत ज़्यादा रफ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। तो इसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके का रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ HB से, और दोनों ब्रांड्स की HB पेंसिल मैं ले लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं डोम्स अप्लाई करता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे मैं इसे ब्लेंड करके भी देख लेता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स होता है। तो गाइस यहाँ पे डोम्स की क्वालिटी बहुत तगड़ी देखने को मिली है, और इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि 35 रुपीज़ की थी, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत तगड़ी डील है। और मैंने एक बार नहीं, मैंने दो बार सेटिंग करके देखा, और मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ कि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या था और मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डोम्स वाला जो लाइन है, आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हुआ है, और स्ट्रोक्स भी आप देखोगे बहुत कंसिस्टेंट है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कैमलिन वाले के साइड में, तो यहाँ पे आपको हल्का फुल्का पैचेस दिखेगा, और कंसिस्टेंसी अगर आप कंपेयर करो डोम से तो आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरे साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, दो बार मैंने ट्राई किया, मुझे लगा कि हो सकता है कि एक बार में गड़बड़ हो गई हो, बट यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, तो इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो यार डेफिनेटली अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड रखूँगा तो मैं इसी पेंसिल को रिकमेंड करूँगा। और डार्कनेस भी दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसकी जो 10B है बहुत अच्छी डार्कनेस है, और इसके 10B से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसकी 10B और 8B मुझे ऑलमोस्ट सेम लगा, कुछ खास ज़्यादा डार्कनेस नहीं था, बट इसकी 8B और 10B में डिफरेंस है। 10B अच्छी खासी क्वालिटी, अच्छी खासी डार्कनेस आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो यार डेफिनेटली 35 रुपीज़ में अगर आपको 40 या 50 तक भी आपको मिलता है ना, बहुत अच्छी डील है, या इवन उससे ज़्यादा भी मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी डील है, और अदर पेंसिल्स के साथ भी ये कम्पीट कर सकती हैं। तो मैं एक्साइटेड हूँ, आगे इन फ्यूचर मैं दूसरे पेंसिल के साथ भी मैं इसको कंपेयर करके देखूँगा, और फिलहाल तो मैं इसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जहाँ तक अभी तक जो मैंने ट्राई किया है इसको, जितना भी मैंने ट्राई किया है, जितना भी मैंने ड्रॉ किया है इसके साथ, एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ है। वुड की क्वालिटी मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से शार्प हो रहा था, पेन जो लीड की क्वालिटी है बहुत स्मूथली ड्रॉ हो रही थी। तो यार डेफिनेटली मतलब आई एम इम्प्रेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस के साथ मैं शॉक्ड भी हूँ कि यार इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे मिल सकती है। तो यार डेफिनेटली थम्स अप है। अगर आपको लोकल स्टेशनरी पे ये पेंसिल मिलता है, आँख बंद करो और परचेस कर लो। तो बस गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।